नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप मैनेजमेंट बॉट के बारे में। अब मैं इस ग्रुप मैनेजमेंट बॉट के ऊपर काफ़ी लंबी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इस पूरे ग्रुप मैनेजमेंट बॉट को एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ग्रुप मैनेजमेंट बॉट का पहला पार्ट बताने वाला हूँ, जो कि है वेलकम मैसेज। मैं उस ग्रुप मैनेजमेंट बॉट पर वेलकम मैसेज सेट करूँगा। और ये जो ग्रुप मैनेजमेंट बॉट है, ये काफ़ी फेमस है टेलीग्राम के ऊपर, जिसका नाम है मिस रोज बॉट। इस बॉट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। ये हमारा बॉट है, आपको इसे स्टार्ट करना है। इसे क्या करना है आपको, आपको इस बॉट को अपने किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना है। ऐड बॉट एज एडमिन मैं यहाँ पे कर दूंगा। एडमिन बनाने के बाद यहाँ पे मैं ग्रुप में आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे वेलकम मैसेज सेट करना है। वेलकम मैसेज किस तरह का होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रे मैटर्स के सपोर्ट ग्रुप में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा हमारा जो है सपोर्ट ग्रुप है, मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का वेलकम मैसेज यहाँ पे मेरे को दिखाता है, जिसके अंदर मैंने क्या क्या डाले हुए हैं। यहाँ पे नीचे 5 बटन्स लगाए हुए हैं, जिसमें एक मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा मेरा यहाँ पे है मेन चैनल का लिंक है, रूल्स हैं ग्रुप्स के और बॉट लिस्ट हैं और अबाउट ओनर सेक्शन है, और दूसरा एक डोनेट का बटन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे मैंने वेलकम मैसेज बनाया हुआ है, जिसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स, और आप देख सकते हैं जो है टेक्स्ट है और यूजर नेम भी है यहाँ पे। तो इसी तरह का जो वेलकम मैसेज है, मैं इस बॉट की मदद से तैयार करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इस ब्रोज बॉट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसे हेल्प कमांड यहाँ पे इसे सेंड करनी होगी, स्लैश हेल्प। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीटिंग्स का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वैसे तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वीडियो में ही सब कुछ बता दूंगा। तो क्या करना है आपको, किसी भी ग्रुप से सैंपल ले लेना है। जैसे किस तरह से मेरा ये ग्रुप है, मैं इस तरह का टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं इसका टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लूँगा कि मेरे को भाई इस तरह का टेक्स्ट बनाना है, और मैं यहाँ पे ग्रुप में जाऊँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ पे डाल लूँगा। ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब आपको क्या करना है, मेरे को इसके अंदर बटन्स ऐड करने हैं, जैसे मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप में डाले हुए हैं इस तरह के बटन्स, ये बटन्स मेरे को डालने हैं। तो इन्हें आपको कैसे सबसे पहले डालना होगा, आपको यहाँ पे रोज बॉट पे जाना है, और आपको यहाँ पे जाना होगा फॉर्मेटिंग के अंदर, और आपको यहाँ पे जाना होगा मार्कडाउन फॉर्मेट्स में, और आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको इस वेबसाइट पे पास जाना है। ये एक आसान मेथड है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले बटन का नाम डालना होगा कि आप क्या नाम डालना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि एग्जैक्ट अपना यही कॉपी करने वाला हूँ जो मेरे सपोर्ट ग्रुप में है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डालूंगा पहला बटन, जो कि है ज्वाइन मेन चैनल। ओके, तो मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ज्वाइन मेन चैनल, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बटन लिंक डालना होगा। बटन लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यही बटन लिंक यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा बटन ऐड करूँगा। दूसरा बटन ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉप पे दो बटन्स हैं, ये सेम पे है। ठीक है, ये सेम लाइन के अंदर है दोनों बटन्स। तो मैं इसे यहाँ पे लेबल के अंदर जो डाल दूंगा रूल्स, और बटन लिंक जो मैंने कॉपी किया वो डाल दूंगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेम लाइन का चेक, मैं इसे टिक कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे ये दोनों बटन है सेम लाइन के अंदर, ऐसे ही मेरे ये दोनों बटन सेम लाइन के अंदर रहेंगे। अब मैं यहाँ पे एक नया बटन ऐड कर लूंगा, जो कि है हमारा सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सब्सक्राइब ग्रे मैटर्स बॉट, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, और एक न्यू बटन ऐड करूंगा। आप यहाँ पे देखें, मैंने इसे सेम लाइन को टिक नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल सेपरेट बटन रहे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा बॉट है, वो है आर बॉट लिस्ट। लेबल के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे बस बॉट लिस्ट डाल देता हूँ। आप इमोजी भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे नया बटन ऐड करूंगा, जो कि है अबाउट ओनर। ओके, मैंने अबाउट ओनर का यहाँ पे डाल दिया, अबाउट ओनर, और सेम लाइन इसे कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जेनरेट पे क्लिक कर देना है कि भाई मैंने तो यहाँ पे 5 बटन ऐड कर लिए, जेनरेट कोड कर लिया। ये कोड आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको इस ग्रुप पे आना है, और इस कोड को जहाँ पे आपने जो वेलकम मैसेज का टेक्स्ट अपना डाल लिया है, ठीक है, इसे हटाने के बाद आपको बस लास्ट में ये कोड यहाँ पे एंटर कर देना। मैं यहाँ पे
एक बार एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन से यहाँ पे नई लाइन के अंदर डाल देता हूँ, मैंने डन कर दिया, ठीक है, ये कोड हमारे यहाँ पे डल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट को उसी तरह बनाना है जैसे उस तरह से टेक्स्ट था मेरा वेलकम मैसेज का सपोर्ट ग्रुप का, यहाँ पे वो मैसेज गायब हो गया, मैं उस मैसेज को वापस कॉल कर लेता हूँ स्लैश वेलकम से, स्लैश वेलकम से नहीं होता तो इससे कर लेता हूँ स्लैश वेलकम। अच्छा ये सिर्फ एडमिन कर सकता है, मैं अपनी दूसरी आईडी से एक बार जाके करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लैश वेलकम कमांड यूज़ करूँगा तो मेरे को यहाँ पे वेलकम मैसेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम मैसेज में मैंने कैसे डाला हुआ है, हेलो और मेंशन में यहाँ पे मैंने डाला हुआ है यूज़र का नेम और उसकी आईडी के साथ, और टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये सारा बोल्ड में लिखा हुआ है और ये इटैलिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये फिर से यहाँ पे बोल्ड यूज़ हो रहा है। अब इसी तरह से फॉर्मेट मैं उसके अंदर सेट करूँगा। तो बोल्ड के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करना होगा स्टार, किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज जो ये है इसे स्टार करना चाहता हूँ, तो आपको इससे जिस टेक्स्ट को आपको स्टार करना है उसके स्टार्टिंग में और उसके लास्ट में आपको स्टार लगा देना है। तो मेरे को यहाँ तक ये जो इनके बीच का जितना भी टेक्स्ट होगा ये सारा बोल्ड में लिखा आएगा। बोल्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, यहाँ पे मैं सपोर्ट ग्रुप में गया, ये जो यहाँ डार्क डार्क में लिखा हुआ है ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे हमारा वेलकम मैसेज। अब मैं यहाँ पे जो मेरा ये हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, इसको मैं कर लेता हूँ इटैलिक के अंदर लिख लेता हूँ, इटैलिक में अभी आपको दिखा दूंगा कौन सा टेक्स्ट होता है। यहाँ पे आपको इटैलिक करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्कोर का यूज़ करना होता है, अंडरस्कोर का, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर कर दिया, तो अभी जो हेलो है वो इटैलिक में लिखाएगा। किस तरह से इटैलिक, कौन सा होता है इटैलिक, कुछ इस तरह का टेक्स्ट होता है जो कि थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है, और लाइट पेंसिल से लिखा जाता है, ऐसा कुछ इस तरह का इटैलिक टेक्स्ट होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है। तो अब मान लो आपको किसी टेक्स्ट को कट करना हो, जैसे टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो एक टाइप करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ मोर ऑप्शन में जाऊँगा तो आपको देख रहा है ये स्ट्राइक थ्रू, इससे ये टेक्स्ट ऐसे इस तरह से कट जाएगा कुछ इस तरह से। अगर इस तरह का टेक्स्ट आपको अपने वेलकम मैसेज में डालना है तो आपको यूज़ करना होगा कौन सा, आपको यहाँ पे टिल्डे यूज़ करना होगा, ये टिल्डे होता है, इस सिंबल को टिल्डे कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे थोड़े से टेक्स्ट के अंदर ये टिल्डे डाल देता हूँ, वैसे ये टिल्डे अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे यूज़ नहीं करता, मैं कहाँ डाल देता हूँ इसे टिल्डे को, यहाँ देखो ये ग्रीटिंग्स के, मैं यहाँ पे एक टिल्डे यूज़ कर लेता हूँ ग्रीटिंग्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे यूज़ कर लिया। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ, अब अगर किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन क्या होता है मैं दिखा देता हूँ, हेलो किया मैंने, यहाँ गया, आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है, ये अंडरलाइन मैंने दबाया नहीं, अंडरलाइन, तो ये टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाता है। तो इसे करने के लिए आपको यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज़ करना होता है, डबल अंडरस्कोर कुछ इस तरह से, और इसका बीच का जो टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला नीचे का डोंट स्कैम वाला, इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे अंडरस्कोर से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर इसके यूज़ कर लिया। लास्ट जो हमारा फॉर्मेट, दो फॉर्मेट रह गए, एक कौन सा, एक तो इसमें टेलीग्राम पे होता है एक स्पॉइलर, इसमें मेरे को यहाँ पे प्लस मैसेंजर के अंदर मेरे को स्पॉइलर विजिबल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा स्पॉइलर क्या होता है। दूसरा हो गया मोनो, मोनो के लिए कौन सा होता है, मोनो के लिए यहाँ पे होता है ये वाला कॉमा ऊपर वाला, ठीक है, ये वाले कॉमा आपको यूज करने होते हैं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ मोनो टेक्स्ट के लिए। मोनो टेक्स्ट को वैसे कोड टेक्स्ट भी कहते हैं, इसके बीच में लिखा हुआ जितना भी टेक्स्ट होता है वो कॉपीएबल हो जाता है टेलीग्राम पर, कि आप उस टेक्स्ट को क्लिक करते ही कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रे मैटर्स बॉट को कॉपी वाला डाल दिया, मोनो कर दिया इसको, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मोनो हो चुका है, और मैंने जहाँ पे अंडरलाइन यूज़ किया था वो इटैलिक में हो चुका है। तो अब मैंने इसे सेट कर दिया, और एक और मैं आपको बता देता हूँ जो कि होता है स्पॉइलर, जो मेरा अभी यहाँ पे टेक्स्ट में मेरे को यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। स्पॉइलर के लिए आपको यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइंस यूज़ करनी होती हैं इस तरह से, और इसके बीच का जो टेक्स्ट होगा वो स्पॉइलर में हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्पॉइलर में भी कुछ डाल देता हूँ, जैसे हेटर्स फॉक ऑफ के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रे मैटर्स यूट्यूब, और मैं इसे स्पॉइलर कर देता हूँ,
मैंने यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइंस लगाई। देखो ये स्पॉइलर यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, स्लैश सेट वेलकम कमांड यहाँ पे यूज करूँगा और सेंड कर दूंगा इस मैसेज के रिप्लाई में। तो हमारा जो वेलकम है वो सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेलकम मैसेज। स्लैश वेलकम कमांड मैंने यहाँ पे सेंड करी तो इसने मेरे को वेलकम मैसेज सेंड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेलकम मैसेज हमें यहाँ पे आ चुका है। स्पॉइलर जो मैंने किया था वो स्पॉइलर हो चुका है, ठीक है। और जितनों जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोल्ड किया था वो बोल्ड हो चुका है। जैसे मैंने स्ट्राइक थ्रू किया था वो स्ट्राइक हो चुका है, और ये जो हमारा कोड किया था जिसमें टेक्स्ट को मैंने कोड हो चुका है, जिस पर क्लिक करते ही वो कॉपी हो जा रहा है। और जो हेलो था हमारा वो हो चुका है। अब हेलो के अंदर मैंने यूज़र को मेंशन नहीं करा, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ यूज़र को। इसने इटैलिक तो कर दिया, मैं मेंशन भी कर देता हूँ यूज़र को। यूज़र को मेंशन करने के लिए यहाँ पे चार तरीके होते हैं, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र को मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा कर्व ब्रैकेट्स को, और यहाँ पे अगर आप उसके फर्स्ट नेम के साथ यूज़र को मेंशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, जो कि होगा स्मॉल लेटर्स में, और इसे क्लोज कर देना ब्रैकेट को, डन कर देना है। मैं इसे एक बार सेट कर लेता हूँ वेलकम को, यहाँ से स्लैश सेट वेलकम कमांड से सेट हो गया, और वेलकम को कॉल करूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर वेलकम है। अब मैं इस ग्रुप के अंदर एक बार ज्वाइन हो जाता हूँ। कैसे, मैं दूसरी आईडी से इस ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे दूसरी आईडी से इसे ज्वाइन कर लिया है, और इसने मेरे को यहाँ पे मेरे यूज़र नेम मेरे को लिख दिया है। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट यूज़र नेम था हेलो ग्रे मैटर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मान लो मेरे को यूज़र का लास्ट नेम भी मेंशन करना है। लास्ट नेम मेंशन करने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको ब्रैकेट यूज़ करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा लास्ट, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो अब ये यूज़र को उसके लास्ट नेम के साथ भी मेंशन करेगा, मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ उसका लास्ट नेम लिखेगा, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। और मान लो अगर आपको दोनों ही ऐसे कमांड यूज नहीं करनी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बस ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है फुल नेम। तो अब ये यूजर को फुल उसके पूरे नेम के साथ वेलकम मैसेज सेंड करेगा, स्लैश सेट वेलकम। देखो मैंने ग्रुप को लीव किया, दोबारा ज्वाइन किया तो इसने मेरे को लास्ट मैसेज, मेरा जो लास्ट नेम है वो भी मेरे को यहाँ पे लिख के दिया, जो कि मेरा लास्ट नेम है यहाँ पे एस, ठीक है। अब मान लो मेरे को यूज़र को मेंशन करना है वेलकम मैसेज में। वेलकम मैसेज में मेंशन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना होगा मेंशन। आपको यहाँ पे स्मॉल में लिख देना है, नी ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन। तो अब ये यूज़र को उसके यूज़र नेम के साथ मेंशन करेगा, उसके फर्स्ट नेम के साथ उसे मेंशन करेगा, किस तरह से, जैसे मेरे इस वाले ग्रुप के अंदर करता है मेंशन यूजर को हेलो मेंशन, और यहाँ पे यूजर का जो नेम होता है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है उसकी आईडी के साथ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूजर को उसका यूजर नेम के साथ मेंशन करना है, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा यूजर नेम। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है यूजर नेम। तो अब ये यूजर का जो यूजर नेम होगा वो यहाँ पे टैग कर देगा। अगर किसी यूजर के पास उसका यूजर नेम नहीं है तो बस वो उसका फर्स्ट नेम यूज करेगा, कुछ इस तरह से। देखो मैंने अब ज्वाइन किया ग्रुप को, तो इसने मेरा जो यूजर नेम था ग्रेमेटर अंडरस्कोर ओनर एट द रेट वो यहाँ पे डाल दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूजर की आईडी भी मेंशन हो, जो कि एक टेलीग्राम की यूजर आईडी होती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आईडी, कैसे, मैं यहीं पे डाल देता हूँ एक नया टेक्स्ट डाल के, यहाँ पे डाल देता हूँ योर यूज़र आईडी, और यहाँ पे इसे ऐसे करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, और इसे वेलकम को सेट कर देता हूँ। एक बार वेलकम मैसेज को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र की आईडी देगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो अब मैंने इसे ज्वाइन किया तो इसने मेरे को आईडी की जगह यहाँ पे मेरी जो टेलीग्राम की यूज़र आईडी है वो यहाँ पे मुझे दे दी है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ वेलकम मैसेज पे, कि आपको चैट को मेंशन करना हो। जैसे यहाँ पे इस चैट का नाम है टेस्ट ग्रुप, तो आपको ये कैसे मेंशन करना है, इसको मेंशन करने के लिए आपको यही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेलकम वेलकम टू ग्रेमेटर सपोर्ट ग्रुप, मैं इसे हटा देता हूँ कि मेरे को नहीं भाई ये ऐसे मेरे को नहीं लिखना, मेरे को जो भी चैट है उसका नाम। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे लिखना होगा चैट नेम,
और इसे सेट कर दूंगा मैं वेलकम मैसेज। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वेलकम करेगा। तो देखो इसने मेरे को वेलकम मैसेज सेंड कर दिया, और जहाँ पे मैंने लिखा था वेलकम टू के बाद यहाँ पे वो जो ग्रुप का नाम है वो आ चुका है टेस्ट ग्रुप। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लास्ट आपको दो तीन और वो बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो है सबसे पहला हमारा, इसे आप स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं इन तीनों को। इससे क्या होगा, पहला जो है हमारा वो रूल्स है, इसे आप यूज़ करेंगे तो आप एक रूल्स का बटन से यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जो भी आपने ग्रुप के रूल सेट करे हुए हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपने आने वाली वीडियोस के अंदर कि आप कैसे रूल्स सेट कर सकते हैं उस पर रोज बॉट के ऊपर। मैंने यहाँ पे रूल्स का एक बटन लगा दिया, हालांकि मैंने यहाँ पे भी रूल्स का बटन लगाया। अब दो दो बटन यहाँ पे हो जाएंगे या फिर, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे और डाल बता देता हूँ, दूसरा होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू से क्या होगा, लिंक को आप जो भी लिंक्स होंगे आप उन्हें टेलीग्राम के अंदर ही देख पाएंगे, प्रीव्यू कमांड, प्रीव्यू अगर यहाँ पे आप डाल देते हैं तब। और जो हमारा दूसरा है वो है, क्योंकि ये जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं आएगा तो इसे आप यहाँ पे टॉप पे डाल सकते हैं या लास्ट में डाल सकते हैं, कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा, बॉस बॉट उसका इनपुट ले लेगा। दूसरा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट से क्या होगा कि ये जो मैसेज होगा वेलकम मैसेज, उसे कोई भी यूज़र फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे सेट वेलकम कर दूंगा इसे, और अब मैं आपको यहाँ पे वेलकम मैसेज दिखाता हूँ इसका। मैंने ये चैट को ज्वाइन किया और देखो इसने यहाँ पे रूल्स का एक बड़ा बटन बना दिया, और क्या डाला था मैंने यहाँ पे, और देखो मैं इसे फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता वेलकम मैसेज को। और यहाँ पे मैं रूल्स बटन पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट करूँगा तो इस ग्रुप्स के जितने भी रूल्स हैं वो मेरे को यहाँ पे सेंड कर देगा। लेकिन जो मेरा टेस्ट ग्रुप था उसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी रूल्स सेट नहीं किए हुए हैं तो मेरे को यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं आए। ठीक है, और क्या दिखाता था, एक यहाँ पे एक लास्ट में ये और होता है नो नो टिफ। इसकी मदद से क्या होता है, असलियत में ये नो नो टिफ है। इसकी में क्या होता है कि अगर आप इसे डाल देते हैं वेलकम मैसेज के अंदर तो यूज़र को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, वो यूज़र जो है चैट के अंदर जब एंटर होगा तो उसे टैग नहीं किया जाएगा। टैग कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी आईडी है यहाँ पे ग्रे मेटर्स टेस्ट बॉट, नहीं जो मैं दूसरी आईडी मैंने जो ज्वाइन करी हुई है वो है ग्रे मेटर्स अंडरस्कोर ओनर। तो मैं उसे मेंशन कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर, कैसे, उसकी आईडी की मदद से। मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया और हेलो मैसेज करके मैं दोबारा से डाल देता हूँ ग्रे मेटर अंडरस्कोर ओनर। तो अब यूज़र यहाँ पे टैग हो जाएगा कुछ देखो इस तरह से। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा है टैग का, यहाँ पे मैं यहाँ पे दो बार मेंशन की गई है मेरी यूज़र आईडी, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे टैग मैसेज यहाँ पे दो बार दिखाई दे रहा है। मैं इस चैट को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये जो, जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो मैंने इस मैसेज को सीन कर लिया तो वो टैग वाला जो यहाँ पे मार्क आ रहा था वो हट गया। तो इस तरह से आप रोज बॉट का इस्तेमाल करके अपने जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव वेलकम मैसेज तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी आने वाली इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इस रोज बॉट का पूरा सेटअप समझाऊंगा कि आप इस रोज बॉट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस रोज बॉट के सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इसी चैनल ग्रे मैटर्स यूट्यूब पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को भी ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें।